ये चूहे बिल्ली का खेल जारी है। नतीजा, कुछ कार बहुत तेजी से आगे निकल गई, कुछ पिछड़ती ही चली जा रही है, उनको कोई ठिकाना भी नहीं मिल रहा है। मगर ऐसा क्यों हो रहा है ये भी समझते हैं, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है यह भी समझते हैं इसी वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले बात करते हैं टॉप कार कंपनीज कौन सी हैं, फिर कारों की बातें भी होंगी। 14 नंबर जीप 425 यूनिट बेचे इन्होंने, 13 नंबर पर सिट्रॉयन 1006 यूनिट बेचे और 12th नंबर पर है निसान 2701 यूनिट बेचे और 11th पोजीशन पर है स्कॉडा 2802 यूनिट बेचे। अब बात करते हैं टॉप 10 के बारे में। टॉप 10 पर है 10वें नंबर पर फॉक्सवैगन 3529 यूनिट, 9th पोजीशन पर है रेनो 4225 यूनिट, 8th पोजीशन पर है एमजी मोटर्स 4648 यूनिट। और ये सभी लोग पिछले साल मार्च के महीने के मुकाबले इस साल मार्च के महीने में कम सेल कर पाए हैं। तो फिर ग्रोथ किसको मिली है, इसे समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। 7th पोजीशन पर है होंडा 7071 यूनिट बेचे हैं, ये थोड़ी ग्रोथ पे आए हैं। 6th पोजीशन पर है किया मोटर्स 21400, इनकी सेल मामूली सी कम हुई है। 5th पोजीशन पर है टोयोटा 25119 यूनिट और इनकी सेल सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुई है थैंक्स टू रूमियन ग्लेंजा टाइजर। 4th पोजीशन पर है महिंद्रा मोटर्स 40631 यूनिट। 3rd पोजीशन पर है एज यूजुअल टाटा मोटर्स 50105 यूनिट, इसकी भी सेल बढ़ी है 14%। 2nd पोजीशन पर है हुंडई मोटर्स 53001 यूनिट, इनकी भी सेल बढ़ी है मामूली सी 5%। 1st पोजीशन पर है मारुति सुजुकी 1,52,718 यूनिट और इनकी सेल बढ़ी है 15%। लोग तो मारुति को हरा के किसी और कंपनी को एक नंबर पे लाना चाह रहे थे और वो उल्टा रहा है कि मारुति और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है, इवन 3 गुनी ज़्यादा कारें बेच रही है। तो 3 गुने को तो कवर करना बहुत मुश्किल है, अभी तो 2nd नंबर को ही हराना मुश्किल पड़ रहा है और 3rd नंबर को हराना मुश्किल पड़ रहा है। हालांकि महिंद्रा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब बात करते हैं वो टॉप की कार कौन सी हैं जिन्होंने धमाल मचाया। पहले बात करते हैं 25th पोजीशन पर है टोयोटा की हाई राइडर 5965 यूनिट, सेल बढ़ी है, यानी हाइब्रिड की डिमांड ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है भारतीय बाजार में भी। 24th पोजीशन पर है अल्टोज 5985 यूनिट, इसकी भी सेल अचानक से बढ़ी है। 23rd नंबर पर है थार 6049 यूनिट, कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 22nd नंबर पर है टियागो 6381 यूनिट और इसकी सेल थोड़ी गिरी है। 21st नंबर पर है एक्स यू वी 700 6611 यूनिट, 30% सेल इसकी भी बढ़ी है। अब बात करेंगे टॉप 20 की। 20th पोजीशन पर है सेल्टॉस 7912 यूनिट, इसकी भी सेल मामूली सी बढ़ी है। 19th पोजीशन पर है एक्स्टर 8475 यूनिट। 18th पोजीशन पर है सोनेट 8750 यूनिट और 17th पोजीशन पर है आल्टो 9332 यूनिट। ध्यान से समझा जाए तो आल्टो की सेल 2% बढ़ी है, यानी अब धीरे धीरे ऐसा दौर आ गया है 5 सालों के बाद कि अब सस्ती कारें लोग नहीं खरीदना चाहते। अब बढ़ते हैं 16th पोजीशन पर है हुंडई वेन्यू 9614 यूनिट। 15th पोजीशन पर है टोयोटा इनोवा में इनोवा क्रिस्टा और हाई क्रॉस दोनों शामिल हैं 9900 यूनिट बेचे हैं, इसकी सेल बढ़ी है। 14th पोजीशन पर है बोलेरो 10347 यूनिट, इसमें बोलेरो और बोलेरो नियो दोनों शामिल हो गए हैं। 13th पोजीशन पर है ग्रैंड विटारा 11232 यूनिट, गुड जॉब, इसकी भी सेल 12% बढ़ी है। 12th पोजीशन पर है ईको 12019 यूनिट और इसमें कॉमर्शियल शामिल है। 11th पोजीशन पर है फ्रॉन्ग्स 12531 यूनिट। अब बात करते हैं टॉप 10 की। 10th पोजीशन पर है टाटा नेक्सॉन 14058 यूनिट, इसकी सेल मामूली सी 5% गिरी है, जबकि हमें उम्मीद थी कि नेक्सॉन की सेल बढ़ेगी,
लेकिन नई नेक्सॉन आने के बाद भी नेक्सॉन की सेल 10वें नंबर पहुंच गई, जबकि ये पहले एक आध बार तो पहले नंबर पर भी जा चुकी है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा समझते हैं मार्केट को अच्छे से। 9th पोजीशन पर है ब्रेजा 14,614 यूनिट, जबकि ब्रेजा के पास ना तो डीजल है ना ही और डिफरेंट तरह के ऑप्शन हैं, तो ऊपर से टैक्स भी ज़्यादा है। 8th पोजीशन पर है आर्टिगा 14,888 यूनिट। 7th पोजीशन पर है स्कॉर्पियो, गुड जॉब स्कॉर्पियो, 15,151 यूनिट। स्कॉर्पियो काफ़ी समय बाद टॉप 10 में आई है। 6th पोजीशन पर है बलेनो 15,588 यूनिट। और 5th पोजीशन पर है स्विफ्ट 15,728 यूनिट। सब लोग नई स्विफ्ट का वेट कर रहे हैं, फिर ये कौन लोग हैं जो 15,728 स्विफ्ट खरीद रहे हैं? यानी स्विफ्ट के दीवानों की गिनती कभी कम हो ही नहीं रही है, ये एक बड़ा रीजन। चलिए बढ़ते हैं 4th पोजीशन पर डिजायर, सेम ईयर यहाँ भी वही हाल है 15,894 यूनिट। यानी डिजायर की सेल 19% बढ़ गई है, जबकि सबको पता है नई डिजायर आ रही है वो भी सनरूफ के साथ। नहीं पता कागु फॉलो करो। 3rd पोजीशन वैगन आर 16,368 यूनिट और इसकी सेल भी मामूली से 5% गिरी है। 2nd पोजीशन पर है हुंडई क्रेटा 16,458 यूनिट, 17% सेल इसकी इंक्रीज हुई है। तो पहले नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे इंडिया की नई चहेती एसयूवी, नाम है पंच, 17,547 यूनिट। मैंने पहले ही कहा था ये टॉप पे आएगी और नेक्सॉन को पीछे छोड़ेगी। नेक्सॉन 10वें नंबर पर है और पंच पहले नंबर पर है। 61% की ग्रोथ मिली है थैंक्स टू ईवी। हाँ, बहुत जबरदस्त सेल ईवी ने दी है। नतीजा ये हुआ है कि लोग फिदा हो गए पंच के ऊपर और ये दोनों सेल जोड़कर ये फिगर्स आई हैं कि उसने सबको बीट करके रख दिया है। अगला दौर क्या है, अगला दौर है हाइब्रिड कारों का। भारतीय बाजार में हाइब्रिड कारों की सेल धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। अभी भी ये सेल अच्छे नंबर्स में है, इवन इतने अच्छे नंबर्स में है कि यह इलेक्ट्रिक कारों से ज़्यादा बेची जा रही हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक कारों में जैसे कि पंच जैसी जो कि बॉर्न ईवी प्लेटफॉर्म पर बनी है, ये सेल ग्रो कर रही हैं और ऐसी ग्रो बनी रहेगी अभी इंडियन बाज़ार में इलेक्ट्रिक कारों की। हालांकि ये सेल 2025 के बाद फिर थोड़ी स्टेबल हो सकती है। तो आगे का दौर क्या होगा, डीजल कारें कम होती जाएंगी और कम हो जाएंगी, छोटी कारें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, पेट्रोल कारें अभी स्टेबल रहेंगी, हाइब्रिड बढ़ेंगी बहुत तेज़ी के साथ और इलेक्ट्रिक कारें धीरे धीरे बढ़ेंगी, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन 2025 तक यही सिनेरियो जारी रहने की उम्मीद है। आपका क्या कहना है, आप किसे और अच्छी सेल में देखना चाहते हैं और क्यों नहीं वो कर पा रही हैं, उसके रीजन भी जरूर लिखिएगा। इसी से आपके विचारों को समझने में मुझे हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कीजिएगा। हालांकि ये सेल्स फिगर मेरे हाथ में नहीं होती हैं, ये तो आप जो खरीदते हैं वही हम गिनती बता देते हैं। तो अगर आपकी पसंदीदा कार नहीं बिकी है तो उसके जिम्मेदार उसके खरीदने वाले हैं, कारगुरु नहीं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपकी पसंदीदा कार जीती है और उसे आप लोगों ने पसंद किया है तो उसके लिए भी कारगुरु जिम्मेदार नहीं है, वो भी आप ही लोग हैं क्योंकि आप ही ने उसे खरीदा है। तो फिर वीडियो को लाइक डिसलाइक करने में संकोच ना कीजिएगा। फेसबुक पर देखे तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पर देखे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, देखते रहिए आस्क कार गुरु।